वन प्लस एट एट प्रो एंड एट टी विल गेट कलर ओएस स्टेबल अपडेट इन 2022। हिंदी लैंग्वेज के लिए टाइमर पे स्किप करो। सो या वन प्लस इज स्विचिंग टू द कलर ओएस एज यू नो दैट वन प्लस इज मर्जिंग विद द ओप्पो। सो दैट्स व्हाई वन हैज बीन रोल्ड आउट अर्ली एक्सेस प्रोग्राम टू दिस वन प्लस एट सीरीज एंड वन प्लस एट टी इन मिड मे। सो आफ्टर टू मंथ्स इट रिवील्स व्हेन दिस डिवाइसेस विल रिसीव स्टेबल अपडेट। सो यस वन प्लस इज रोलिंग आउट विल रोल आउट the ColorOS update in 2022. So what you think about it, let me know in the comment section. I think it's not good for the OxygenOS lovers because OxygenOS is very smoother if we compare it to the Oppo's ColorOS. So what you think about it, let me know in the comment section. And now I'm covering the same news in Hindi/Urdu language. A sub to the channel would be appreciated if you like to watch update videos. Guys, OnePlus 8, 8T और 8 Pro को जो है ना ColorOS की stable update मिलेगी 2022 में। आपको पता होगा Oppo और जो है ना OnePlus combine हो रहे हैं, वैसे पहले से ही combine थे, बस BBK Electronics ने कुछ divide किया होना था। तो हाँ, इसको जो है ना ColorOS 11 की जो अर्ली एक्सेस है वो तो मई के अंदर मिल गई थी OnePlus 8 और 8T सीरीज़ को, और अब ये जो है ना इन्होंने अच्छे से टेस्ट कर लिया है एंड ये कहा जा रहा है कि पूरी जो सीरीज़ है उसको जो है ना 2022 के अंदर ColorOS 12 या 11 की अपडेट प्रोवाइड कर दी जाएगी जो कि Android 12 पे रन करेगा। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर मैं बताऊँ तो मेरे हिसाब से OxygenOS जो लवर्स हैं उनके लिए जो है ना ये अच्छी खबर नहीं होगी, लेकिन जिनको ColorOS ज़्यादा पसंद है उनके लिए शायद अच्छी खबर लगे ये। और यही थी सारी सारी अपडेट। मैं अपना ओपिनियन दूँ तो ठीक है यार, क्या ही कह सकते हैं अब। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल कर दो सब्सक्राइब। दोस्तों ये जिस सोर्स से आ रही है, हो सकता है ये झूठ हो जाए, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा।